पाकिस्तान के वजीर आजम से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ। नए हैं, जब उन्हें इलेक्शन जीता, हम सबको न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम को मगर हिंदुस्तान के अवाम को एक खुशी थी कि एक नया आदमी आया है, एक खिलाड़ी है, हिंदुस्तान के साथ कई दफ़ा आया हुआ है, क्रिकेट खेला है। वैसे भी जब पार्टी का लीडर बना था तो कई दफ़ा हिंदुस्तान आया, अपनी बातें कहीं हमारे सामने, मैं भी कई मीटिंग में वहाँ था। तो हमें उम्मीद थी कि एक नया रिश्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो रिश्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मसले जो हैं वो हल हो सकेंगे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती का माहौल बनेगा। इसको बनाने के लिए मीडिया का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है, मगर जिस तरह से मीडिया ने सिद्धू को निशाना बना रखा है, ये दिखाता है कि कुछ ऐसी चैनल्स भी हैं जो नहीं चाहती हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रिश्ता अच्छा हो। देखिए, एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसे कहते हैं मफाद खसूसी, एक मफाद खसूसी बना हुआ है जो हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है, जो नहीं चाहता अमन आए, दोनों मुल्कों में अमन नहीं आए, कि हम पिसते ही रहें, मगर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़रूरी है।